अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सर? हेलो जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होगी अपने घरों में। और मैं आप लोगों को आज बताऊँगी कि मैंने अपना फर्नीचर चेंज किया था और मैं उस टाइम ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत बिज़ी थी मैं। और मैंने आज जब मैंने सब कुछ सेट कर लिया उसके बाद मैं सोचा ब्लॉग शूट करूँगी, आपको दिखाऊँगी अपना बेड, मैंने कौन सा बेड लिया है, किस तरह का लिया है और क्यों चेंज किया है, सब बताऊँगी मैं आपको ब्लॉग में। अच्छा, यहाँ पर मेरी सास जो है वो ड्रेसेस जो हैं कपड़े वगैरह सेल आउट करती हैं। ये देखिए ब्लैक और वाइट में उनके पास ये ड्रेस आए हुए हैं, ये दुपट्टा शर्ट है और इसके तीन प्रिंट्स थे, मैं आपके साथ शेयर करूँगी दुपट्टा शर्ट के। तो आप लोग ब्लॉग को पूरा वॉच कीजिएगा, इसका कपड़ा काफ़ी अच्छा है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर लिख दूँगी, मेरी सास है, उनका नाम मरियम है, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईजीली। तो वो कपड़े वगैरह सेल करती हैं और बहुत ही मतलब रिजनेबल प्राइस में होते हैं, कोई इतना खास प्रॉफिट रखती भी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा मैं ब्लॉग में शेयर करती हूँ आप लोगों से। सीरियसली इनके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं और कपड़े का मतलब ये कहते हैं ना कि रेट वगैरह काफ़ी कम है, जिस तरह से आप दूसरे मार्केट वगैरह से लेते हैं या लोगों से लेते हैं उनके बनिस्बत रेट बहुत कम है। सीरियसली मैं ये नहीं कर रही कि मैं व्लॉग बना रही हूँ इसलिए बता रही हूँ मैं आप लोगों को, नहीं, सीरियसली उनके रेट्स का बहुत कम है। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद ये वाला ड्रेस आया था, ये फुल इसमें वर्क हुआ हुआ है, धागे का काम जो होता है ये ब्लैक में है, मुझे बहुत पसंद आया था, शायद मैं भी ले लूँ, मैंने उनको कहा था मैं ले लूँगी सूट से ना ये वाला ब्लैक में। तो ये दुपट्टा शर्ट ये है, तो ट्राउज़र तो आप ब्लैक लगा के कोई सा पहन सकते हैं इजीली, तो ये वाइट में बड़ा खूबसूरत लगा मुझे सूट ये वाला ना। तो ये बहुत बहुत कपड़ा भी बहुत अच्छा है इसका, इसके प्राइस पता है मुझे, उसके अलावा दूसरे ड्रेसेस के प्राइस नहीं पता मुझे। तो मैं उनका नंबर लिख दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं ईजिली और आपको वो डिलीवर भी करवा देंगी जहाँ पर आप एरिया है आप लोगों का। तो बहुत अच्छे इनके प्रिंट्स वगैरह थे जो घर पर भी अवेलेबल थे। इनकी अपनी शॉप है, मैं आपको बता दूँगी एड्रेस वगैरह शॉप का, तो वहाँ से जाके आप विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे सारे ड्रेसेस वहीं पे होते हैं ज़्यादातर। अभी घर पे जो चीज़ें अवेलेबल थी, जो ड्रेसेस अवेलेबल थे इनके, वो मैंने आपसे शेयर किए। बट ये शर्ट पीस फ़िलहाल एक ही रखे हुए थे इनके पास अभी घर पे ना, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लेती हूँ मैं। और एक दुपट्टा शर्ट था, ये ओरिजिनल सतरंगी का था, ये ब्लू वाला जो है ना, ये तो ये ब्लैक वाला तो नॉर्मल सा था कपड़ा, लेकिन अच्छा था ये कपड़ा भी ना, तो आप ब्लैक ट्राउज़र के साथ इसको इजीली पहन सकते हैं तरीके से सिलवाएं। अब पता है आपको कपड़े का सबसे अच्छा मेन ये होता है कि आपकी स्टिचिंग अच्छी होनी चाहिए और कपड़ा खुद अच्छा लगता है, तो स्टिचिंग आपकी अच्छी होगी कपड़ा आपका बोलेगा, और स्टिचिंग आपकी अच्छी नहीं होगी कपड़ा बिल्कुल बेकार लगेगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये इसका पॉपुलर का सूट है, दुपट्टा शर्ट है आई थिंक ये भी ना, तो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह का है, ये वरीरा का है पॉपुलर का ना, तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे इसका कपड़ा, बड़ा अच्छा, और प्राइस भी मतलब रिजनेबल प्राइस है, मतलब बहुत मुझे तो हैरत हुई कि इतने प्राइस कम है इसके, और मतलब ये प्रॉफिट इतना कोई खास रखती नहीं है अपना सीरियसली। और इसके अलावा कि इसलिए मैंने आपसे शेयर किया, मैं अपने व्यूवर्स को दिखाऊँ कि इन्होंने मतलब इतने अच्छे प्रिंट्स रखे हैं अपने पास, और आप लोग चाहें तो इनसे कॉन्टैक्ट करके मंगवा सकते हैं, आप जितने चाहे ड्रेसेस इनसे ले सकते हैं, ये आपको आपके लोकेशन पे या आपके जहाँ पे आपका शहर है वहाँ पे, जिस सिटी से भी आप हैं वहाँ इजीली डिलीवर कर लेती हैं, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। बहुत मेरी सास जो हैं अच्छे कपड़े सेल करती हैं, ये नहीं कह रही कि मेरी सास से मैं तारीफ़ें कर रही हूँ, नहीं, वैसे भी माशाल्लाह इनके प्रिंट्स वगैरह और कपड़े वगैरह काफ़ी अच्छे होते हैं, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ देखिए बनारस सतरंगी कपड़े काफ़ी आए हुए थे, दुपट्टा शर्ट, तो ये भी सेल आउट करती हैं, तो ओरिजिनल था बिल्कुल, ये दुपट्टा शर्ट है, और इस तरह के ड्रेसेस भी इनके पास काफ़ी आए हुए थे, मैंने इसमें से एक अपने लिए ड्रेस लिया था इनसे ना, तो ये तो ओरिजिनल था बिल्कुल दुपट्टा शर्ट। और ये पॉपुलर के तीन चार ड्रेसेस पड़े हुए थे घर पे ना, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं, मैंने सोचा मैं ब्लॉग में डालूंगी आप लोग को दिखाऊँगी ना, और ताकि आप इनसे कॉन्टैक्ट करें और आप ले सकते हैं। और अगर आप लोग पसंद है ब्लैक, अगर आप लोग ब्लैक कलर मतलब आप लोग काफ़ी पसंद है, तो आप लोग इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनके पास अच्छी मतलब कलेक्शन आई हुई कपड़ों की ना, तो ये सीन है। बाकी ये कि आज का व्लॉग कोई इतना बड़ा व्लॉग नहीं है, और मैंने आज व्लॉग सही से शूट किया ही नहीं था क्योंकि मैं बिज़ी थी बहुत ज़्यादा, सुबह से लेकर शाम तक मुझे रात तक मतलब ये बिज़ी थी काफ़ी, मैं मेरा बेड आना था आज, और खाना वाना बनाना था, खाने का भी वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई बिल्कुल भी ना, टाइम था ही नहीं, और अलाया के साथ टाइम होता ही नहीं बिल्कुल भी। ये देखे प्रिंट्स वगैरह डिफरेंट प्रिंट्स हैं इनके, और ये भी पॉपुलर का ही था सूट ना, कपड़ा अच्छा होता है, काफ़ी टाइम चलता है कपड़ा इसका, ये नहीं कि एक धुलाई में ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें ये दुपट्टा शर्ट कितना अच्छा प्रिंट है, और
बड़ा अच्छा लगा मुझे ना इसी कलेक्शन ब्लैक जो भी आजकल न्यू आई हुई है, और इनके कपड़ों के जो दुपट्टों के जो अरज हैं काफ़ी अच्छे हैं साइज़ कपड़ों के, मतलब एक होता है ना इसे एक अच्छी खासा मतलब इस पर कपड़ा निकल जाता है, और ये नहीं कि कपड़ा छोटा है ऐसा कुछ भी नहीं है, अरज कम है नहीं, कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है बड़ा है, और इजीली आप लोग दुपट्टा और शर्ट इसका बना सकते हैं ब्लैक ट्राउज़र लगा के। अच्छा जब मैंने कल बेड लिया था अपना न्यू ना, आज वो बेड आया, कल बुक करवा के आई थी आज आ गया था बेड मेरा, तो लगाने में टाइम हो गया काफ़ी। खैर ये मेरी सास ने टेबल लिया था वहीं से ना, इस पर मिरर लगा हुआ है, लाया खेल रही थी मैंने मिरर हटा दिया था इसके ऊपर से ना, तो ये भी काफ़ी क्यूट लगा मुझे। अभी हम सेटिंग करेंगे इंशाल्लाह अपनी ड्राइंग रूम की, और मैं दिखाऊंगी आप लोगों को सेटिंग करते हुए सब कुछ ना, सब ब्लॉग में बनाऊंगी, लेकिन ब्लॉग शूट करना होता ही नहीं है, बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है ब्लॉग बनाना और शूट करना फिर अपलोड करना ये वो चीज़ें ना, तो खैर मैं कर लेती हूँ रोज़ाना इंशाल्लाह अपलोड करूँगी, टाइम तो आज काफ़ी लेट अपलोड करूँगी लेकिन करूँगी ना। यहाँ लाया खेल रही थी ड्राइंग रूम में बैठ के मामू के साथ, और मैं साथ बैठी हुई थी लाया के। मामू हाय कर दो। हाँ जी, ये रहा मेरा बेड, मैंने आयरन का बेड लिया था। पहले मेरा बेड जो था बहुत स्टाइलिश था, वुड का बना हुआ था टोटली, और ना मेरा रूम बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया था उस बेड की वजह से, किंग साइज़ बेड था। आई मैंने सिंपल सा बेड लिया है बिल्कुल, मुझे आयरन के बेड सही लगते हैं, मतलब एक ईजीली आगे पीछे कर सकते हैं हम बेड को, खिसका सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, नीचे से झाड़ू लगा सकते हैं बेड के नीचे से, और मतलब मुझे अच्छा लगा बेड काफ़ी ना, और सिंपल सा बेड है, और पहले वाला बेड मेरा बहुत स्टाइलिश था, बड़ा था, मेरा कमरा बिल्कुल ढका हुआ था बेड की वजह से, ना नमाज़ पढ़ सकते थे, मेरे को जगह बची नहीं थी, अभी फिर भी ये कि जगह बची हुई है और मैं झाड़ू वगैरह लगा सकती हूँ। मुझे मेन मसला था कि मैं झाड़ू वगैरह नहीं लगा पा रही थी क्योंकि बिल्कुल पैक हुआ था बेड था वो, और बहुत बहुत बड़ा बेड था ना, तो मैंने वो चेंज करके वो रखा हुआ ये, खैर अभी भी तो मैंने ये वाला भी परचेज़ किया है शॉप से ना, तो मुझे सही मिल गया। बाकी ये कि अच्छा लगा मुझे खुद भी बेड बना, सेटिंग की बेड की, रूम वूम वगैरह साफ़ किया, और मशीन भी लगाई हुई थी आज, फिर खाना वाना बनाना था, काफ़ी टाइम हो गया इसलिए मैंने आज व्लॉग बहुत देर से शूट किया और बहुत देर से अपलोड कर रही हूँ। अच्छा मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगी अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, ये मेरे हस्बैंड हैं और मैं हूँ, ये मेरी निका की पिक्चर है, मेरे अब्बू जी हैं और ये मैं हूँ। अल्लाह मियाँ मेरे अब्बू को ज़िंदगी दे, उनका साया हम पे सलामत रखे। ये मेरी वलीमे की पिक्चर है, ये मेरी नन ने मेरा मेकअप किया था और बहुत अच्छा मेकअप किया था माशाल्लाह से। आपको पता है अपने फर्स्ट टाइम ऐसे दुल्हन देखी होगी जिसने अपना मेकअप खुद किया है बारात का भी और मेहंदी का भी। ये मेरा छोटा भतीजा है, भाई का बेटा है, और ये मैंने मेकअप मैंने अपना खुद किया था, हर चीज़ मैंने खुद चूज़ की थी अपनी, घर में किया था मेकअप मैंने। ये मेरी अम्मी जान हैं, अम्मी जी हैं मेरी, और अल्लाह मियाँ इनको सलामत रखे। और ये मेरी अम्मी के साथ पिक्चर, ये मेहंदी का मेकअप मैंने खुद किया था, ड्रेस मैंने खुद चूज़ किया था। ये मेरी शादी के बाद फर्स्ट दावत जब मेरी हुई थी तब की पिक्चर है। मेरा भतीजा है पीछे, ये मेरी कज़न की बेटी है ये मेरी। जब मेरी शादी के बाद फ़ौरन ईद आ गई थी तो मेरी तब की पिक्चर है, मेरे हस्बैंड और मेरी। ये मेरी बड़ी सिस्टर हैं और ये मैं हूँ। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं ये पिक्चर्स दिखाया करो ब्लॉग में आप, मैंने कहा दिखाऊँगी इंशाल्लाह। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कहाँ से बनवाए फ्रेम आपने, ये मैंने इंस्टाग्राम के एक पेज से बनवाया था। ये मेरी बहन की बेटी है और भाई का मेरा भतीजा है, भाई का बेटा। ये देखिए मैंने मेकअप अपना खुद किया हुआ है, और बताना आप लोगों को कैसा लगा आज का व्लॉग, मेरा मेकअप और मेरा बेड कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे आप लोग व्लॉग में। चलिए गाइस अब मैं करती हूँ व्लॉग का एंड, क्योंकि लाया बहुत परेशान करिए, मैं व्लॉग शूट नहीं कर पा रही, मैं कल प्रॉपर तरीके से व्लॉग बनाऊँगी या कोई अपनी वीडियो वगैरह शेयर करूँगी। देखिए मोबाइल मुझसे छीन रही है, और मैं करती हूँ व्लॉग का एंड। मुझे दुआ में याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।